फ्रेंड्स, मेरे चैनल से हेल्थ पाकिस्तान में आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग पर, यानी कि जहरीला खाना। फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स ये हैं कि वॉमिटिंग होना, पेट में मरोड़, दस्त, बुखार। एहतियात इसकी ये करनी है कि फ्रिज का खाना मत खाएं, दूध और सख्त फल मत खाएं, ठोस गिजा मत खाएं और ना ही पेशेंट को दें। या पेशेंट बच्चे हैं या बड़े हैं, पेशेंट को सख्त खाना बिल्कुल भी मत दें। और फ्रिज में अक्सर लोगों को देखा है, फ्रिज में खाना रख देते हैं और वो महीनों महीनों पड़ा रहता है, दो दो तीन तीन हफ्तों पड़ा रहता है और वो इसी तरह फिर गर्म करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसा मत करें, क्योंकि उसमें जहरीले मवाद आना शुरू हो जाते हैं और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। लेकिन कुछ लोगों को कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन होता है। ये मैदे में जाकर बहुत जहरीला हो जाता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो जाती है। ORS का इस्तेमाल लाजमी बच्चों को करवाएं इस पोजीशन में। इसमें जो जरासीम होता है वो सर्टिफाइड लोगों का ही नामी जरासीम होता है, जो बाइल और एपेटेगो की वजह से भी होता है, जिसकी वजह से फूड पॉइजन होता है। सलाद, पेस्ट्री या दूसरे स्टार्च ज़्यादा जो अशिया होती हैं जिन्हें आप ठंडा करके इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ज़्यादा देर तक फ्रिज में मत रखें। सलाद वगैरह भी जो कुछ लोग देखे हैं, सलाद वगैरह भी दो दो तीन तीन दिन फ्रिज में पड़ा होता है और इसी तरह खा रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। कस्टर्ड वगैरह रख देते हैं, कुछ दिनों तक पड़ा रहता है। आप बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल करें, ठंडा ज़रूर करें, लेकिन दो दो तीन तीन दिन तक मत खाएँ उसे मत इस्तेमाल करें, वो जहरीला हो जाता है। फ्रिज में ज़्यादा टाइम तक अगर खाना पड़ा रहता है तो वो जहरीला हो जाता है, उसे मत इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश आ जाएंगी। आपको आपका पेट स्टमक बिल्कुल आउट हो जाएगा और कोई भी चीज़ फिर बाद में आपके मैदे पे असर नहीं करेगी। इसके लिए जो मेडिसिन है वो आपने अगर आपको क्या हो रही, मतली हो रही है और साथ में दस्त हो रहे हैं, तो आपने आर्सेनिक का इस्तेमाल करना है। और अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम साथ हो रही है तो कार्बोमर्च का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने अगर गोश्त से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है तो आर्सेनिक, कार्बोमर्च और पल्स को, तीनों को आपने इस्तेमाल करना है 30-30 पोटेंसी में, और दिन में तीन दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। 5-5 ड्रॉप्स आप इसके ले लें और तीनों को आपने इस्तेमाल करना है। अगर मछली से आपको फूड पॉइजनिंग हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो रही है मछली से, तो आपने कार्बोवेज और पल्स का इस्तेमाल करना है। पिकनिक पे चले जाते हैं, पार्टी पे चले जाते हैं, रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाते हैं, तो वो खाना अक्सर वो पहले से तैयार हुआ हुआ पड़ा होता है, जिसकी वजह से जिस तरह टाइम गुजरता जाता है, अगर सुबह बनाया और रात को खा रहे हैं तो फिर वो उसमें फूड पॉइजनिंग का खदशा होता है। तो इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि खाने को आप फ्रेश इस्तेमाल करें, उसे ज़्यादा टाइम तक फ्रिज में मत रखें। तो इस तरह आपकी इन बीमारियों से जान छूट सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली जो भी नई वीडियो होगी इसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।